Good morning everyone, I hope you all are doing fine. Last lecture की अगर हम बात करें तो last lecture में हमने ये देखा था कि blood और कुछ खास तरह के blood vessels मिलकर circulatory system तैयार कर रहे थे. उसके बाद हमने start किया था blood एक ऐसा fluid होता है जो कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके थ्रू फ्लो कर रहा होता है, और उस फ्लूइड का नाम हमने दिया था प्लाज्मा. और इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि उस प्लाज्मा के अंदर कुछ खास तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा तरह के सेल्स पाए जाते हैं. कई सारे, बहुत सारे होते हैं, लेकिन टाइप्स के एक से ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो उसका लास्ट लेक्चर में पहली ने ये भी पूछा हुआ था कि हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है. तो स्टार्ट ही उसी से करते हैं. तो कह रहा है कि वो जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा में वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स. प्लाज्मा नाम का जो फ्लूइड था जिसके अंदर कई सारे तरह के सेल्स होते थे, उसमें से एक तरह का सेल तो है रेड ब्लड सेल्स. बहुत सारे लोग इसको रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी बोलते हैं, विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. तो जैसे जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं, लीव्स का कलर ग्रीन होता है क्योंकि उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से उसका कलर ग्रीन होता है, उस पिगमेंट का नाम क्लोरोफिल होता है. वैसे ही हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में एक खास तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स. और रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं. ठीक है, हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स. तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में बाइंड कर जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हीमोग्लोबिन नहीं हो पाता रहता तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो पाती. ऑक्सीजन की अगर बाइंडिंग नहीं होती तो ऑक्सीजन बॉडी के हर एक पार्ट तक नहीं पहुंच पाता ढंग से, और ना ही हर एक सेल तक ढंग से पहुंच पाता. तो थैंक्स टू हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर एक पावर है जिस पावर की वजह से वो ऑक्सीजन के साथ में मिल जाता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर मिला लेता है. ठीक है, फिर आगे कह रहा है, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हीमोग्लोबिन अगर नहीं होता तो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक, सारे के सारे सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता. अब तुम खुद सोचो कि तुम मान लो तुम कभी पालथी मार के बैठ जाते हो, कभी कभी झुंझुनाहट होने लगती है पैर में. क्यों होने लगती है? क्योंकि ऑक्सीजन का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है. ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो ऑक्सीजन की जो है रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से वो झुंझुनाहट होती है. तुम्हारा बॉडी तुम्हें बताता है कि अपना पोजिशन ऐसा कर लो जिससे ब्लड का फ्लो वापस से कंटिन्यू हो जाए, प्रॉपर हो जाए. ठीक है, तो अब यहाँ इससे ये आइडिया तो हमें लगता है कि हीमोग्लोबिन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड. तो अब तुम्हें इसका आंसर मिल गया है कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड का कलर रेड क्यों है, क्योंकि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर एक फ्लूइड तो पाया था प्लाज्मा जिसका नाम. तो प्लाज्मा की वजह से ब्लड का कलर रेड नहीं है, प्लाज्मा के अंदर एक खास तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम RBCs बोलते हैं या रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, उनके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है, उसकी वजह से ब्लड का कलर रेड दिखता है. दूसरी बात, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में अच्छे से बाइंड कर सकता है, यही रीज़न है कि हमारे बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन आराम से पहुँच जाता है. तो इतना सारा हीमोग्लोबिन के बारे में है. अब आगे क्या कह रहा है, द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स which fight against germs that may enter our body. तो पहले एक तरह का प्लाज्मा के अंदर एक तरह का सेल तो RBCs हो गए,
दूसरे तरह के जो सेल्स हैं उनका नाम है WBCs, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। इनका क्या काम है कि जो भी बाहर से आते हैं, पैथोजेंस हम बोल सकते हैं, या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, हमारे जो दुश्मन हैं, उनसे लड़ने के लिए, ठीक है, उनसे लड़ने के लिए वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। कि अगर अगर कमज़ोर तरह के जर्म्स होंगे तो उनको तो वाइट ब्लड सेल्स खुद ही निपटा लेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि वाइट ब्लड सेल्स की जितनी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा स्ट्रांग जर्म्स आ जाते हैं अंदर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारा वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो उतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुए। ऐसे सिचुएशंस में हम हमें दवाई वगैरह लेना पड़ता है, ट्रीटमेंट वगैरह करवाना पड़ता है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है, बोजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड, ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड द डार्क रेड क्लॉट हैड प्लंज्ड द कट। बोझो वॉज पजल्ड अबाउट दिस, द क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की वजह से हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड बाहर फ्लो करना बंद हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड का नाम होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर कई तरह के सेल्स पाए जाते हैं, उसमें हमने तीन तरह के सेल्स के बारे में पढ़ा है अभी तक, ठीक है। पहला रेड ब्लड सेल्स, दूसरा वाइट ब्लड सेल्स और तीसरा प्लेटलेट्स। वाइट ब्लड सेल्स का हमें पता है, रेड ब्लड सेल्स का पता है, हमें प्लेटलेट्स का भी काम पता है कि प्लेटलेट्स अगर नहीं होते या कम हो जाते तो हाँ, अगर कहीं पे कट लगता तुम्हारे बॉडी में तो वो अगर खून बह रहा होता तो खून बहना नहीं रुकता, बंद ही नहीं होता। तो थैंक्स टू प्लेटलेट्स हमारा कहीं पे भी अगर कट वगैरह, इंजरी वगैरह होती है तो ब्लड का फ्लो कुछ देर में अपने आप से रुक जाता है या बंद हो जाता है, ठीक है। फिर आगे अगला जो टॉपिक है वो है ब्लड वेसल्स, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है और अपने साथ में कई सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। अब ब्लड में कुछ कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उसे जहाँ जहाँ तक पहुँचना होता है ब्लड के साथ में ही वो पहुँच जाता है, क्योंकि ब्लड एक फ्लूइड है, फ्लूइड का फ्लो कर पाना बड़ा ज़्यादा आसान होता है, इसीलिए चीज़ों को जब एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचना होता है तो वो ब्लड के साथ में मिक्स होके ही फिर एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, ठीक है। कह रहा है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी, यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था, ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। ये भी हमने पढ़ा था कि सेल्स में जब ऑक्सीजन पहुंच रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी के साथ में वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी तो निकलना है क्योंकि उसका हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 में पढ़ा हुआ है कि पहली बात तो ये कि मान लो तुम्हारे फिंगर टिप पे एक सेल है, उस सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, तुम्हारे ब्लड के साथ में मिलेगा और मिल के फ्लो होते होते हार्ट तक पहुँचेगा, हार्ट उस ब्लड को पम्प करेगा लंग्स तक, और लंग्स से वापस से तुम्हारे विंड पाइप के थ्रू बाहर, नोज़ के रास्ते से बाहर निकलना है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये होना है, ठीक है। सो टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। हमने देखा था रेड कलर के जो ब्लड वेसल्स हैं उनको हम आर्टरीज बोल रहे थे, और जो ब्लू कलर वाले थे उनको हम वेन्स बोल रहे थे, ठीक है। तो दो तरह के ब्लड वेसल्स के बारे में बात होती है, उसमें एक का नाम है आर्टरीज, दूसरे का नाम है वेन्स। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि लंग्स से जो ऑक्सीजन हार्ट तक गया था, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक वो ऑक्सीजन जो सप्लाई होना है, जिन ब्लड वेसल्स के थ्रू सप्लाई होना है, उन ब्लड वेसल्स को हम आर्टरीज बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसे एक बात तो समझ में आती है
कि अगर आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड को डिफरेंट सेल्स तक पहुंचा रही है, इसका मतलब ये हुआ वेंस जस्ट उल्टा काम करते होंगे। जब ब्लड में से ऑक्सीजन पूरा ख़त्म हो गया होगा, ब्लड में अब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आया होगा, वो वापस हार्ट तक जाएगा। तो इस तरह के ब्लड को कैरी कौन से तरह के ब्लड वेसल्स करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेंस बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। चूँकि ब्लड फ्लो बहुत रैपिड होता है, बहुत तेज़ होता है और बहुत हाई प्रेशर पे होता है, हाई प्रेशर पे होता है तो उसके लिए जो है, अगर फिर भी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको, फिर तो उनका वॉल थिक होना चाहिए, अगर थिक नहीं होगा तो कहीं पे वॉल फट भी सकता है। तो इसलिए जो आर्टरीज होती हैं दे हैव थिक इलास्टिक वॉल। ठीक है, आर्टरीज जो होंगी वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करते हैं, और चूँकि ब्लड फ्लो बहुत रैपिड होता है और हार्ट पम्प करता वहीं से जाता है, तो आर्टरीज उस प्रेशर को झेल पाए, उसके लिए आर्टरीज जो होती हैं उनका वॉल इलास्टिक होगा और थिक होगा। ठीक है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। एक्टिविटी 11.1 में कह रहा है, प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट, फिगर 11.2। 11.2 में जैसे दिया वैसे ही करके तुम्हें प्लेस करना अपने एक हाथ, एक दो उंगलियों को इस तरीके से। कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मोमेंट्स, कुछ ऐसे पल्स टाइप का तुम्हें महसूस होता होगा, या ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ एक बार प्रेशर दे रहा है फिर वापस से बुझ जा रहा है, फिर प्रेशर दे रहा है फिर बुझ जा रहा है, तो ऑन ऑफ टाइप का कुछ थ्रॉबिंग मोमेंट्स तुम्हें फील होंगे। व्हाई डू यू थिंक देयर इज थ्रॉबिंग? दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड द पल्स एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। ये जो थ्रॉबिंग है ये आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है, उनकी वजह से हो रहा है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन वन मिनट, सबको पता ही, अराउंड 72 के आसपास होता है क्या, ऐसे कुछ होता है। हाँ, हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। ठीक है, तो एक मिनट में जितनी बार तुम्हें बीट सुनाई देगा उसी को हम क्या बोलते हैं, पल्स रेट। अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। कई जगह पे महसूस कर सकते हो, कई बार ऐसा होता है कि हेडेक जब हो रहा होता है तो जो सर के दोनों कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे अगर टच करते हैं तो हल्का हल्का महसूस होता है। ठीक है, रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स, इंसर्ट द वैल्यूज यू ऑब्टेन इन टेबल 11.1 एंड कंपेयर दैम। तो ये काम अगर अपने क्लासमेट्स के साथ में नहीं कर सकते हो तो जो घर के मेंबर्स हैं उनमें से कुछ लोगों का तुम हार्ट बीट या पल्स रेट चेक कर सकते हो और उसको टेबल में लिख सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।